हमारा चैप्टर बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर, और इसमें हम लोग फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और उसमें हमने ये देखा कि फोर्स वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, उसकी स्पीड में परिवर्तन ला रहा है, उसकी दिशा में परिवर्तन ला रहा है, उसके शेप और साइज में परिवर्तन ला रहा है। आप आगे हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स, और इस टाइप ऑफ फोर्स में दो तरीके का फोर्स बताया गया, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। हिंदी में इसे कहते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल, इसे हम कहते हैं संपर्क और इसे कहते हैं असंपर्क। हम जब आपको बता रहे थे तो हमने बताया डस्टर का एग्जाम्पल, और हमने कहा कि जब हम इसको पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, स्थिति में परिवर्तित हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस पर जो बल लग रहा है संपर्क, हमने इसको पकड़ लिया, और यह इस तरीके का जो बल प्रभावित कर रहा है वस्तु की स्थिति को, इसको संपर्क बल कहते हैं। अब संपर्क बल में यहां मैंने लिखा मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, पेशीय बल और घर्षण बल। इस मस्कुलर को हम लोग कहते हैं पेशीय बल और इसको कहते हैं घर्षण बल। यहां हमने इस डस्टर को पकड़ा और उठाया, यहां पे जो हमारी पेशियां हैं, ये पेशियां इसको खींचने का, ऊपर उठाने का या इसको धक्का दे देने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं पेशीय बल। और इस पेशीय बल में और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम पानी भरी बाल्टी उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी पेशियों का उपयोग कर रहे हैं और उसको पकड़ के उठा रहे हैं। ठीक इसी तरह जो दूसरे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आपने बैलगाड़ी देखा है, जो बैल हैं बैलगाड़ी को खींचने के लिए, बुलक कार्ट इंग्लिश में कहते हैं, उनको खींचने के लिए हम बैल का उपयोग करते हैं, और वहाँ पे बैल की पेशियाँ, वो चलता है आगे की तरफ, वो पेशियों को उपयोग करता है और गाड़ी को खींचता है। ठीक इसी तरह घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा है वह भी अपने पेशी का उपयोग करके, अपने मसल्स का उपयोग करके और मूवमेंट बनाता है, और इस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहते हैं, पेशीय बल। आप देखिए जो ये वेंडर्स होते हैं, ठेला जिसे हम कहते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उन पर वो सामान को लाद के और खींचते हैं, या वो तो धक्का दे के चलते हैं या आगे की तरफ होके खींचते हैं। रेलवे प्लेटफार्म पे आप देखिए कुली जो है वो उन गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं या आगे की तरफ खींच रहे हैं, जिनके ऊपर आपके गुड्स रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पेशीय बल का उपयोग कर रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे माना कि हमने ये डस्टर उठाया, डस्टर खींचा या डस्टर को धक्का दिया हमने, हम साइकिल चला रहे हैं, वहाँ पर हमारी मांसपेशियाँ पैडल को दबा रही हैं और साइकिल आगे बढ़ रहा है, बैल बैलगाड़ी को खींच रहा है, घोड़ा घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, जो कुली है वो धक्का दे रहा है ठेले को, या जो वेंडर्स हैं वो ठेले को धक्का दे के आगे पीछे ले जा रहे हैं। ये सब क्या है, पेशीय बल के उदाहरण हैं। जो दूसरा है घर्षण बल, दो सतहों के बीच, दो सतह, एक मान लीजिए ये है और एक ये है, इसका ये और इसका ये दो सतह हो गए, इन दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाला बल, डस्टर आगे की तरफ मूव कर रहा है लेकिन यह सतह इस पर पीछे की तरफ बल लगा रही है, तो दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं इसको। इस बल के कारण ही हम चल पा रहे हैं या हम इस जमीन पर खड़े हो पा रहे हैं, अगर घर्षण नहीं होता या घर्षण बल नहीं होता तो हम खड़े नहीं हो पाते या हम चल नहीं पाते। हाँ इसका उपयोग है कि हम चल पा रहे हैं, इसका दुरुपयोग भी है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाला, एक सरफेस इसका और एक सरफेस इसका, इस पर मान लीजिए हम इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं, जो घर्षण बल है वो इधर की तरफ, तो अपोजिट फोर्स बिटवीन टू सरफेस, अपोजिट मीन्स जिधर को ये मूव कर रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जो नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल, ये तो हमने देखा कि हम संपर्क में हैं, सतह के संपर्क में है घर्षण बल, हम किसी वस्तु को पकड़ के उठा रहे हैं, किसी वस्तु को हम
धक्का दे दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, बैल गाड़ी को खींच रहा है, ये सब उसकी पेशियों का उपयोग करके ये सब क्या था, संपर्क बल था। लेकिन कुछ बल ऐसे हैं जो बिना संपर्क किए भी पुश या पुल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें हमने पहला लिखा मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट, मैग्नेट है एक बार मैग्नेट इस तरीके का अगर है तो उसे बार मैग्नेट हम कहते हैं, और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस मैग्नेट का एक चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका वो होता है, क्षेत्र होता है। यह चुंबक इतनी दूर से ही दूसरे चुंबक को या ऐसी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचेगा, लोहे की बनी सामग्रियों को अपनी तरफ खींच लेगा दूर से, यहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। जब इसमें माना कि दूसरा एक और चुंबक हम ले लें तो इस चुंबक का भी मैग्नेटिक फील्ड है, यह अपनी मैग्नेटिक फील्ड में आते ही अगर ये विपरीत आवेश वाले या विपरीत ध्रुव वाले हैं, नॉर्थ और साउथ है, तो ये दूर से ही इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, पास आएंगे। लेकिन अगर यह विपरीत अरे समान है, नॉर्थ और सेम है, तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ भागेगा और ये इधर की तरफ भागेगा, दूर से ही बिना संपर्क किए ही इस तरीके का जो बल खींच रहा है या धक्का दे रहा है यह असंपर्क बल कहलाता है, जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेट है। जो अब यहाँ पे ये समान ध्रुव है खींच रहा है, असमान ध्रुव अरे रिपेल कर रहा है, और असमान ध्रुव आ जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, कुछ लोहे की सामग्रियां हैं उनको यह अपनी तरफ दूर से ही खींचेगा, यह इसका गुण कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। जो दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने न्यूटन की कहानी पढ़ी है कि मान लीजिए ये डस्टर है और इसको मैं छोड़ूं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, पृथ्वी का कोई संपर्क इस डस्टर पे नहीं है लेकिन वो अपनी तरफ खींच रही है, इस तरीके का जो बल है वह असंपर्क बल है, खींच रही है अपनी तरफ। जो दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि जब हम बाल सूखे बाल में कंघे को रगड़ते हैं, रगड़ से वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं लेकिन अनुभव करते हैं। छोटे छोटे कागज के टुकड़े आप रख दीजिए और रगड़ के प्लास्टिक की पेन या कंघा, और जब हम उसके पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े खींच लेता है वो कंघा, ठीक है। यहां मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं इसके आकर्षण में, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यह जो खींच रहा है इसको अपनी तरफ पुल, यह क्या है, फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में मैंने मैग्नेट के बारे में बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने अर्थ के बारे में बताया, और जितने भी हमारे प्लैनेट हैं आप देखिए अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग हमारा वेट हो जाता है और उनका अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लास्टिक का कंघा का एग्जाम्पल मैंने बताया, और हमने पीछे बहुत सारे पढ़े हैं कि कांच की राट एबोनाइट से या फलालैन से रगड़ने पे किस तरीके के आवेशन होते हैं, वो अलग बात है, बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं असंपर्क बल के बारे में। तो ये था टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थैंक यू।